जयपुर ग्रामीण लोकसभा सीट पर हार की घोषणा के बाद कांग्रेस उम्मीदवार ने इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। कांग्रेस उम्मीदवार अनिल चोपड़ा की याचिका की सोमवार को राजस्थान हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। चोपड़ा ने अपनी याचिका में वोटों की दोबारा गिनती की मांग की है। नमस्कार, मैं हूं शेख जूही, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। अनिल चोपड़ा का कहना है कि चुनाव में गड़बड़ी हुई। चोपड़ा ने 2738 डाक मतपत्रों को लेकर भी आपत्ति जताई, जिन्हें रिटर्निंग अधिकारी ने खारिज कर दिया था। चुनाव परिणाम के अनुसार बीजेपी उम्मीदवार राव राजेंद्र ने चोपड़ा को 1615 मतों के अंतर से हराया था। अंतर खारिज किए गए मतपत्रों की संख्या से भी कम है। चोपड़ा की इस याचिका को हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया। जस्टिस ओमशंकर व्यास की अदालत 13 अगस्त को इस मामले की सुनवाई करेगी। चोपड़ा की ओर से राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तनखा और अधिवक्ता संजय शर्मा ने हाईकोर्ट में पेश हुए। शर्मा ने बताया कि 13 अगस्त को सुनवाई के दौरान वो अपनी दलील रखेंगे। उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने के दिन भी उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के समक्ष अपनी आपत्तियां दर्ज कराई थी, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया। हालांकि 4 जून को घोषित हुए लोकसभा चुनाव परिणाम के बाद से ही अनिल चोपड़ा चुनाव परिणाम में धांधली का आरोप लगाते रहे हैं। परिणाम वाले दिन तो उन्होंने रिटर्निंग अधिकारी के कमरे में धरना भी दिया था। हालांकि उनकी दोबारा गिनती की मांग को खारिज कर दिया गया और केवल मतगणना के आंकड़ों को दोबारा जोड़ा गया। बता दें, राव राजेंद्र की जीत की घोषणा के बाद चोपड़ा मतगणना केंद्र के बाहर अपने समर्थकों से मिले थे। उन्होंने अपने समर्थकों से शांति बनाए रखने की अपील की और कहा था, हमें जनता ने आशीर्वाद दिया जिसके कारण हमें 6 लाख से ज्यादा वोट मिले। हमें ये परिणाम 1% भी स्वीकार नहीं। प्रशासन के लोगों ने जिस तरह से हमारे साथ कुठाराघात किया है, 4 घंटे तक इन लोगों ने आपस में बात करके इस चुनाव परिणाम को प्रभावित करने का काम किया है। लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि 13 अगस्त को होने वाली सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट इस मामले में क्या फैसला सुनाता है। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।